नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश विदेश के कई बड़े महानगरों के विकास की बात की जाए तो उसके पीछे वहां के निवासी योगदान देते ही हैं, लेकिन एक अहम योगदान प्रवासी मजदूरों का भी होता है। प्रवासी मजदूर उन्हें कहते हैं जो रोजगार की तलाश में देश के किसी दूसरे राज्य या फिर विदेशों में जाकर वहां रहकर मजदूरी करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। कई बार अपने राज्य में ज्यादा कमाई नहीं होने के कारण या फिर दूसरे अन्य कारणों से भी मजदूर रोजगार के लिए बड़े राज्यों या फिर विदेशों में पलायन करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने राज्य बिहार को भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां से हर साल काफी अधिक संख्या में ऐसे मजदूर प्रवास में मजदूरी करते हैं, जहां इन प्रवासी मजदूरों को कई असंगठित क्षेत्रों में काम मिलता है। हालांकि बिहार में नहीं होने के बावजूद भी बिहार सरकार को ऐसे प्रवासी मजदूरों की चिंता है। ये चिंता कोरोना काल में और भी बढ़ी है, क्योंकि जान माल का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बिहार सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के हित में नेक पहल की है और मददगार योजना लेकर आई है। यह योजना श्रम संसाधन विभाग से जुड़ा है। इस योजना का नाम बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आप भी प्रवासी मजदूर के तौर पर किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो इस योजना के नाम से ही जाहिर है कि इसमें प्रवासी मजदूर के दुर्घटना में शिकार हो जाने को लेकर सरकारी मदद देने का प्रावधान है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत बिहार से बाहर दूसरे राज्यों या फिर विदेशों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ मिलता है। इसके प्रावधान के मुताबिक प्रवासी मजदूर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दूसरे कारण से वे आंशिक या फिर पूरी तरह से अपंग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी। यह आर्थिक अनुदान श्रम संसाधन की तरफ से या तो प्रवासी मजदूर या फिर उनके परिवार के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या मानक हैं। इसके अंतर्गत 18 साल से 65 साल वाले असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी मजदूर को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसमें ट्रेन या फिर सड़क दुर्घटना, बिजली करंट लगना, सांप काटना, पानी में डूबना, आग से जलना, पेड़ या भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार होना, आतंकवादी या आपराधिक हमले का शिकार हो जाना इत्यादि जैसे दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। अगर ऐसी किसी भी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो प्रवासी कामगारों को अनुदान के तौर पर रुपए मिलेंगे। साथ ही सरकार द्वारा घोषित महामारी जैसे कि कोरोना या फिर अन्य तरह की महामारी में मौत हो जाने पर भी उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। यहां आपको यह भी बता दें कि उक्त प्रवासी मजदूर स्थायी तौर पर बिहार के निवासी होने चाहिए, तभी यह मदद मिलेगा। साथ ही दुर्घटना के समय किसी प्रकार के नशे आदि में नहीं रहना चाहिए। दुर्घटना का प्रकार बिल्कुल प्राकृतिक हो रहना चाहिए, अर्थात अगर कोई प्रवासी मजदूर आत्महत्या या नशे के सेवन या फिर किसी जहर के सेवन से देह को त्याग रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि किस दुर्घटना में कितने रुपए अनुदान दिए जाएंगे। अगर बताए गए किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में पूरी तरह से अपंग हो जाने पर सरकार 75,000 रुपए देगी। वहीं आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रुपए मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर दे सकते हैं या फिर अपने प्रखंड या अंचल के RTPS सेंटर पर भी आवेदन दे सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को किसी भी कार्यालय में आने जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन माध्यम से भी सब कुछ हो जाएगा। RTPS के पोर्टल पर आवेदन करते वक्त आपको कुछ कागजात जैसे कि आधार, निवास का प्रमाण, मजदूर होने का प्रमाण, मोबाइल नंबर इत्यादि मांगे जाएंगे, तो उसे आपको डालकर आवेदन को पूरा करना होगा। उसके बाद आप आवेदन के जरिए सारी जानकारी देने के बाद स्वघोषित कर सबमिट कर दें, जिसके बाद आप लाभ के पात्र होंगे। तो आप भी प्रवासी मजदूर हैं तो इस योजना का लाभ आज ही उठाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।